चलिए बच्चों, क्लास नंबर 62 शुरू होगी। एक्सरसाइज 61 है और हमारे पास जो अल्फाबेट कंटिन्यू है अभी, वो जानते हो आप कौन सी है? डी। और क्वेश्चन नंबर पहला, सर्क्यूटस। बच्चों सर्क्यूटस का मतलब होता है ये घुमावदार, ऐसे करके। तो सर्क्यूटस का मतलब घुमावदार है, यानी कि कपटी। कपटी का मतलब होता है जो एकदम से मोड़ा जाएगा एकदम से। एक तो होता सीधा, एक हो गया एकदम से मुड़ जाना। तो सर्क्यूटस में घुमावदार कपटी की फीलिंग है। इसका सिनोनियम पूछा तो मियंड्रिंग होगा। ये मियंडर जो शब्द है, ये भी ऐसी है, कोई ऐसा रास्ता एकदम से फिर यूं हो जाना ऐसे करके। ये रास्ते जो होते हैं ये मियंड्रिंग पथ कहलाते हैं, इसी को सर्क्यूटस बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इसका एक सिनोनियम और इसका भी सिनोनियम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसका सिनोनियम कल आया था डेवियस, वो भी यही होता है, टेढ़ा मेढ़ा या बेईमान जैसा, जिसके दिल में बेईमानी हो या कोई रास्ता जो एकदम से मुड़ जाए, इसे बोलते हैं। तो सर्क्यूटस, मेंडरिंग और डेवियस एक दूसरे के सिनोनियम है। अच्छा, डायरेक्ट की अगर बात करोगे तो ये एंटोनियम है, सर्क्यूटस का भी, मेंडरिंग का भी, और ये डेवियस का भी एंटोनियम है। इनफर्म की अगर मैं बात करूं तो कल बताया था मैंने, कमजोर यानी कि फीबल। क्या होता है ये? कमजोर, फीबल हो जाएगा या वीक। ठीक। डिलेक्टेबल की अगर बात करूं तो स्वादिष्ट यानी कि डिलीशियस। आंसर पहले का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डेरोगेटरी। क्या होता है बच्चों ये? अपमानजनक, किसी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई चीज। तो सिनोनियम पूछते तो क्या होता? बी लिटलिंग, क्योंकि बी लिटिल क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना। इसका एक सिनोनियम अगर आप चाहो तो कल आया था डिस्पेरेजिंग, वो भी इसका आंसर है। डिस्पेरेजिंग, ये भी इसका सिनोनियम है। तो नीचा दिखाना, अपमानजनक बातें करना, बी लिटलिंग, डेरोगेटरी, ये सिनोनियम हो गए। एंटोनियम पूछा तो आंसर चौथा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना होता, तो ये होता प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। ठीक। अगर बात करूं डेल्यूज की तो ये बाढ़ होती है, ये होता है फ्लड, सिनोनियम। इसका एक सिनोनियम और होता इनंडेट, इनंडेट, ये भी बाढ़ होती है, सिनोनियम है ये भी इसका। अगर बात करूं डेवियस की तो अभी बताया था मैंने, इसका सिनोनियम है सर्क्यूटस। घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, बेईमानी भरा, कपटी। आंसर दूसरे का जो है वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं फेबलनेस, तो ये होती है कमजोरी, यानी कि सिनोनियम पूछेंगे तो वीकनेस, और बच्चों सिनोनियम ही पूछेंगे तो फ्रेल्टी। फ्रेल्टी भी कमजोरी होती है। तो आंसर अगर हमसे पूछा गया है सिनोनियम तो बनेगा डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड कमजोरी होती है। ठीक है, नोट कर लेना इसे। अगर बात करें क्यूपिडिटी की तो लालच होता एवेराइस, ग्रीड, वोरेसिटी। अगर स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो ये बनेगा बच्चों फीबलनेस का एंटोनियम, क्योंकि स्ट्रेंथ ताकत होती है। अगर बात करेंगे कॉन्सोनेंस की तो ये सहमति होती है। इसका जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा हमारा एग्रीमेंट, ये सहमति होती है। बच्चे का एक सवाल है कि सर एक शब्द है सेलेरिटी, कमेंट में देखा मैंने उसका, ये वर्सेस एक है सेलेब्रिटी, ये तो बिल्कुल अलग चीज है बच्चों। सेलेरिटी होती है चपलता, तेजी, स्विफ्टनेस, और सेलेब्रिटी होता है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सन, जैसे बॉलीवुड में होते हैं सेलिब्रिटीज, वो है। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, चले तीसरे का आंसर तीसरा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर चार की अगर मैं बात करूँ तो इनसेन, तो बच्चों पागल होता। एंटोनियम पूछते तो क्या लगाते? सैन। लेकिन पूछा क्या है सिनोनियम? डिमेंटेड, क्योंकि डिमेंटेड भी क्या होता? पागल, यानी कि मैड। अगर बात करूँ डिजमल की तो ये दुखी होता, इसका सिनोनियम होता गिलूमी। अगर बात करूं लेबोरियस की तो ये मेहनती होता है, इसके लिए बनेगा डिलीजेंट या हार्डवर्किंग या एसिडुअस। फिलहाल तो चार का आंसर चौथा रहेगा।
ये समझदार होता सैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अभी बताया था मैंने पीछे इनंडेट, ये होती है बाढ़, किसी जगह पर बहुत ज्यादा पानी आ जाना बरसात की वजह से, या कहीं से छोड़ दिया गया है पानी तो बहुत सारा आ गया, ऐसे बोलते हैं। बच्चों देखो सिनोनियम पूछा है तो डेल्यूज, लेकिन एक बात ध्यान रखना अगर एंटोनियम पूछते तो ड्रॉट होगा, क्योंकि ये होता सूखा, जहां पानी ही ना हुआ हो, बारिश ही ना पड़ी हो बहुत टाइम से, अकाल पड़ गया हो। तो इनंडेट का एंटोनियम ड्रॉट है, और ये फ्लड का भी एंटोनियम है, और ये डेल्यूज का भी एंटोनियम है, क्योंकि डेल्यूज का जो सिनोनियम है वो फ्लड भी तो होता है, और ये इसका भी सिनोनियम है। ठीक, ओडियम की अगर बात करूं तो घृणा होती है, हैट्रिड, कल आया था ये शब्द, ओडियम होती है घृणा, नफरत। चलो सही से लिख देता हूं दोबारा, घृणा नफरत। अच्छा रेवरी की अगर बात करूंगा तो डे ड्रीम, दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, ठीक है ना। पांचवे का आंसर तीसरा हो जाएगा, सिनोनियम पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया सवाल है, नीडेड, नीडेड का मतलब हो गया जिसकी जरूरत हो, जिसकी जरूरत हो ऐसी चीज, यानी कि अगर इसका सिनोनियम आप उससे चाहते हैं तो इसका सिनोनियम बन जाएगा एसेंशियल, आवश्यक। और बच्चों जब ये नीडेड जरूरत है जिसकी, यानी कि उसका काम चाहिए उससे जरूरत पड़ेगी, तो आंसर सिनोनियम में इंडिस्पेंसेबल है, एंटोनियम पूछते तो डिस्पेंसेबल होता, इसके बिना काम चल जाता है, और एंटोनियम पूछते तो रिप्लेसेबल होता, ये दोनों के एंटोनियम हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनियम। तो डिस्पेंसेबल जिसके बिना काम चल सकता हो, यानी कि रिप्लेसेबल सिनोनियम हो गया, और इंडिस्पेंसेबल जिसके बिना काम ना चले, यानी कि जरूरी चीज। तो नीडेड का, एसेंशियल का सिनोनियम इंडिस्पेंसेबल है। अगर बात करूं मैं एपेरेंट की तो ये स्पष्ट होता है, इसके लिए सिनोनियम चाहिए आपको तो बनेगा ऑब्वियस, आंसर 6 का जो है वो हमारा पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्विंडल, ये होता है बच्चों घटना, कम होना, घटना कम होना, गलती हुई है इसमें, मैं पेपर में सही करवा दूंगा इसे, या पेपर में भी है तो फिर भी देख लो आप। सिनोनियम जो है ना बच्चों इसके, वो ये भी है, वो ये भी है, वो ये भी है, ठीक। रिड्यूस भी सिनोनियम है, डिमिनिश भी सिनोनियम है, गेट स्मॉलर भी सिनोनियम है, क्योंकि सिनोनियम है ये। तो एंटोनियम बच्चों ये है, तो हमें यहां जो है ना एंटोनियम करना चाहिए था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज। अब जब हम इस टाइम सिखा रहे हैं, कोई पेपर में आया हुआ नहीं है क्वेश्चन, मतलब पेपर में नहीं है इस टाइम ये, तो आप समझ ले ड्विंडल का सिनोनियम पूछते अगर, तो आंसर 3 है, रिड्यूस भी है, डिमिनिश भी है, और गेट स्मॉलर भी है, लेकिन हमने एंटोनियम पूछना था, धोखे से उससे लड़के से टाइप हो गया सिनोनियम, तो एंटोनियम पूछा है ये समझे आप, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सातवें का आंसर चौथा है, सिनोनियम पूछते तो तीनों आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, 8 सारी मैंने ईडियम दी है, SSC GD 29/11/2021 में आया गया है, अंडर द वेदर बताया था मैंने, बीमार होता, अंडर द वेदर बीमार, तो इसका जो सिनोनियम है वो क्या बन जाएगा, स्लाइटली इल, हल्का सा बीमारी होता, हल्का सा योग्य बीमार। आठवें का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो इसका मतलब होता छिपे हुए अर्थ को समझना, ये छिपा हुआ होता अंदर, जिसको ढूंढना पड़ेगा आपको, छिपे हुए अर्थ को समझना, ये इसका आंसर है। ये मत लगाना प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ना, नहीं इसमें वो मीनिंग नहीं है। टू इंटरप्ट, किसी को डिस्टर्ब करना, हस्तक्षेप करना जब वो पढ़ रहा हो, किसी के स्टाइल की आलोचना करना जो उसने लिखा हो, तरीका उसका, नो का आंसर चौथा है। इसका मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को निकालना, जो उसके अंदर मीनिंग छुपा हुआ है। इन ए नटशेल, अच्छा ये कैसे है अगर आप चाहते हो इसे समझना, ऐसे करके समझ लो, ऊंट के मुंह में जीरा। अब ये जो ऊंट के मुंह में जीरा है, क्या ये शाब्दिक अर्थ ही इसका असली अर्थ है? नहीं। अब इसको पढ़े अगर सही से, तो इसका मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, खुराक अच्छी खासी हो, लेकिन आपने उसे इतना सा सामान दे दिया खाने को, तो ये अर्थ निकल कर आया कि भैया ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि जिसकी खुराक बहुत ज्यादा है लेकिन खाने पीने को कम मिल रहा उसे। तो ये आपने रीड बिटवीन द लाइंस कर लिया इस ईडियम से, ये होता रीड बिटवीन द लाइंस, आंसर हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए नटशेल, ये तो हो चुका पहले भी, संक्षिप्त में, इन ए नटशेल, संक्षिप्त में,
आंसर 10 का पहला है। आज की जो क्लास है हमारी ये 62 है, ध्यान रखना इसका। और क्वेश्चन नंबर पहला है डिजीज इज एन, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। अब देखो ये होता इनएविटेबल अवश्य संभावी, मतलब जो होना ही है, जिसकी संभावना होने की 100% हो। इनक्रेडिबल होता अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ही ना हो पाए, जिस पर विश्वास ही ना हो पाए। इंडिस्पेंसेबल को अगर देखूंगा मैं तो इसका मतलब होता है जिसके बिना काम ना चल सके, यानी कि कह सकते हैं बहुत जरूरी, आवश्यक, जिसके बिना काम ही ना चलेगा। और इसकी बात करेंगे तो ये होता है यकीन ना करने वाला, जो एकदम से यकीन ना करे, यकीन ना करने वाला। ठीक, अब सवाल पर आते हैं। तो बीमारी एक परिणाम है बेकार तरीके से जिंदगी जी रही परिस्थितियों की। तो बच्चों बीमारी होगी, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं जिएंगे तो बीमारी का होना तय है। अगर आप लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं रखेंगे, अपने खान पीन का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने रूटीन लाइफ का ध्यान नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से बीमारी होगी। आंसर बच्चों इसका पहला है, जब भी किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट या आउटकम या इफेक्ट दिखाई दे आपको तो वो इनएविटेबल होता, वो उसकी वजह से हुआ है जो काम पीछे करा है आपने। चाहे आपने बुरी परफॉर्मेंस दी हो तो आपकी आलोचना निश्चित है, ऐसी ये है। तो बीमारी एक बुरी परिस्थितियों में रहने का निश्चित परिणाम है। आप अपनी हालत बुरी कर लो, आप बीमार पड़ जाओगे। खाने पीने का ध्यान मत रखो, रूटीन लाइफ खराब कर लो, नींद टाइम पर मत दो, तो निश्चित रूप से बीमार पड़ोगे। ये इसका आंसर है बच्चों, पहले का आंसर पहला हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरे की तो ये उम्मीद है मुझे आपने कर लिया होगा, ये पहले वाला नहीं हुआ होगा, ये कर लिया होगा। देखिए एयर एंड वाटर आर, हवा और पानी जिंदगी के लिए कैसे हैं बच्चों, इंडिस्पेंसेबल, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा, ये आवश्यक है, ये कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको ध्यान दो, कहानी की बात चल रही। एक कहानी जो चोरी के, धोखे के और मूर्ख बनाने के ऊपर आधारित थी, वो इतनी ज्यादा स्तर पर, कैसे स्तर पर, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय स्तर पर थी। इतनी ज्यादा चोरी के किस्से, झूठ के किस्से जो बताएं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो मेरा जो आंसर आया ना वो स्टोरी की वजह से आया है, कहानी किसी चोरी के बारे में, इसके बारे में अविश्वसनीय थी, जो बातें बताई हैं वो बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं। अच्छा स्टोरी के लिए क्या लगाओगे आप, यहाँ पे स्टोरी के लिए इंडिस्पेंसेबल नहीं आएगा, स्टोरी को इनक्रेडुलस नहीं कह सकते आप क्योंकि व्यक्ति के लिए आता है, इनएविटेबल नहीं कह सकते। तो अविश्वसनीय थी वो कहानी। दे डिसाइडेड टू डिस्पोज, बच्चों डिस्पोज का ध्यान रखें आप। देखो जब डिस्पोज वर्ब होगी तो फर्स्ट फॉर्म डिस्पोज, सेकंड फॉर्म डिस्पोज्ड, वर्ब है तो डिस्पोज, सेकंड फॉर्म है तो डिस्पोज्ड, थर्ड फॉर्म है तो डिस्पोज्ड, और आता है इसके साथ ऑफ, और इसका मतलब होता है बेचना या दान में दे देना, दान में देना। ठीक, अब एक दीज हो रही है दूसरी, एक होता बी और डिस्पोज्ड, यहां पे बी डिस्पोज्ड ये एडजेक्टिव का काम करेगा और इसके साथ आता है टू, और बच्चों मेन वर्ब की आती है आईएनजी फॉर्म, और इसका मतलब होता है वो काम करने का इच्छुक नहीं है, इसके अंदर इच्छा नहीं होती उसकी उस काम को करने की। ठीक, तो अब देखते हैं कि आंसर आएगा, पहले यहां देखते हैं कि इच्छा की बात चल रही है या बेचने की बात चल रही है, दान में देने की। उसने फैसला कर लिया वो अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी, आज के सवाल थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं और अजीब से भी हैं थोड़े से। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अब बताओ प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी से घृणा होगी, नहीं, आंसर लगा देंगे दूसरा। डिस्पोज के साथ अगर ये वाला ऑफ मिले से काट देना, एरर में भी आ सकता कभी कभी ये। ठीक, उन्होंने फैसला कर लिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि वो अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी दान में दे देंगे किसी को, आंसर हो गया चार का दूसरा। अब आप यहां आ जाओ, माई फादर इज नॉट, देखो इज भी है और डिस्पोज्ड यहां एडजेक्टिव भी है और देखो आईएनजी फॉर्म भी है। तो मेरे पिताजी खिलाफ नहीं है, डिस्पोज्ड होता खिलाफ होना, विरुद्ध होना, ये नोट लग गया तो नहीं है। तो मेरे पिताजी खिलाफ नहीं है तुमसे मिलने के, मिल लेंगे तुमसे, वो आंसर बच्चों ही आएगा। बड़ी अजीब बात है कुछ बच्चों के लिए जो अभी नए होंगे,
जिन्होंने नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा कि सर हमने तो सुना टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद आईएनजी भी आती है कहीं कहीं पर, जैसे दो आप सीख गए होंगे, एक प्रीफर के बाद में जो टू आता वो दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म लेता तो वहां पे आईएनजी आ गई, एक बी यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू याद है तो टू के बाद तो आईएनजी आ सकती है ना कहीं कहीं, तो यहां भी आती है डिस्पोज टू के बाद आईएनजी आती है। आंसर पांचवें का तीसरा है। डोसाइल का मतलब होता है बच्चों मतलब कि आज्ञाकारी, सीधा साधा, ये ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, इससे कुछ कहोगे तो कहना मान लेगा आपका। और बच्चों यही तो हमारा कॉम्प्लीएंट था, कॉम्प्लीएंट भी तो यही था आज्ञाकारी। इसका एक सिनोनियम और है फ्लेक्सिबल, लचीला, एकदम से जो कहोगे वहां को कर जाएगा ये सिनोनियम, ठीक है ना। अच्छा अगर एंटोनियम पूछेंगे तो एंटोनियम एडमेंट भी है, अड़ियल होता है, अड़ियल, इनफ्लेक्सिबल, जो एकदम से कहना नहीं मानता, इनफ्लेक्सिबल। अगर बात करेंगे तो एंटोनियम डिसोबेडियंट भी है, अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी। और बच्चों डिटेरियरेट का मतलब तो जानते होंगे आप, बिगड़ना, स्थिति का और बदतर होना, बदतर होना, डिटेरियरेट। मेरा जो आंसर है इस टाइम वो पहला है और फ्लेक्सिबल भी है। इसका एक सिनोनियम ओबेडियंट भी होगा, ओबेडियंट भी सिनोनियम है इसका, चलो लिख देता हूं ओबेडियंट। तो कॉम्प्लीएंट भी आंसर है, ओबेडियंट भी आंसर है, फ्लेक्सिबल भी हो जाता आंसर, फिलहाल आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिशेवल्ड। बच्चों ये ना किसी व्यक्ति के लिए आता है जो गंदे से कपड़े पहने हुए हो, बाल उल्टे सीधे बिखरे हुए हो, बहुत दिनों से शेविंग नहीं कराई हो, इस टाइप के जो आपको गंदे से लगे देख के कि यार बड़ा गंदा सा है ये, कुछ रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं बाहर की तरफ और खाने पीने को भी उन्हें देना पड़ता है, जो दूसरे लोग होते हैं मदद करते हैं उनकी, तो वो व्यक्ति डिशेवल्ड अवस्था में होते हैं, तो बच्चे गंदा होता है, गंदा या अव्यवस्थित, चीजों के लिए आएगा तो भी अव्यवस्थित, व्यक्ति के लिए आएगा तो गंदा। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा देंगे हम इसका डर्टी। और एंटोनियम पूछेंगे तो पता क्या आएगा, नीट। एंटोनियम पूछेंगे तो क्या आएगा, टाइडी, क्योंकि ये दोनों होते हैं साफ सुथरे, साफ सुथरा, तो नीट एंड क्लीन नहीं होता, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा, ऐसे टाइडी होता, टाइड जो सर्फ है वो इसी शब्द से इस्तेमाल किया गया कि साफ कर देगा वो, तो नीट और टाइडी सिनोनियम है एक दूसरे के, सिनोनियम। और ये इसके लिए एंटोनियम है, डर्टी सिनोनियम, द जुबिलेंट होता प्रसन्न यानी कि जोवियल सिनोनियम, या चीयरफुल मिलनसार, या मेरी, और भी बहुत सारे हैं। सातवें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, जीनोसाइड। बच्चों जीनोसाइड का मतलब होता है किसी जगह पर एक बड़े ग्रुप को मार देना, चाहे वो पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया, पूरे धर्म के लोग थे वहां पे, मान लीजिए किसी भी जगह पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 50 संख्या में थे और वहां के लोग जो थे वो दूसरे धर्म के ज्यादा संख्या में, तो उन सबको मार दिया, ये होते हैं जीनोसाइड। आंसर लगा देंगे बच्चों इसका पहला। अगर बात आती है मर्डर ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या, तो ये होता है बच्चों पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, पिता की हत्या। अगर बात आती है माता की हत्या की तो मैट्रीसाइड, जो अपनी माँ को मार देते हैं तो उन्होंने कर दिया मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, जिन्होंने पिता को मार दिया पैट्रीसाइड। और अगर माता पिता दोनों को मार दिया तो बनता पेरी, ध्यान दे पेरी, पेरीसाइड, ठीक। आंसर 8वें का पहला है। जो जीनोसाइड है वो बड़े पैमाने पर ज्यादा लोगों को मारना होता है, डोंट गिव अप, ये आंसर है बच्चों, हिम्मत मत हारो, आंसर पहला है। हैंग इन देयर का मतलब होता है हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, यानी कि लगे रहो। अब बात करेंगे पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब होता है टू थ्वार्ट, थ्वार्ट का मतलब होता है बाधा डालना, वंस प्लान, किसी की योजना को बिगाड़ देना, क्योंकि जब एक चक्र है बच्चों और इसमें आप अगर एक डंडा डाल दोगे तो ये घूमना रुक जाएगा ना, तो ये तो है व्हील, स्पोक डालना उसके अंदर, तो टू पुट ए स्पोक इन व्हील्स का मतलब होता है किसी के काम में टांग अड़ा देना, काम ना होने देना। ए डॉग इन ए चर्च, ये होता एन अनवांटेड
पर्सन जिसे चाहते नहीं थे लेकिन वो वहां आ गया, अनवेलकम्ड अनइनवाइटेड सब आ जाएगा इसके अंदर। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है टू ऑल्ड टू डू समथिंग, इतना ज्यादा बूढ़ा कि कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बाद में यहां बोला जाता बच्चों नहीं, यहां बोला जाता इतना ज्यादा बूढ़ा कि कोई काम नहीं कर पाएगा। नो का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है सही होती है ओ एम आई डबल एस आई ओ एन, ये होती है चूक या गलती, मिस्टेक। पैसेंजर गलत है, पैसेंजर की स्पेलिंग होती पी ए डबल एस ई एन जी ई आर, यात्री। पेंगुइन आंसर है, एक प्रकार की ये चिड़िया जैसी होती पेंगुइन। प्रोपराइटर गलत है, मालिक होता है ये पी आर ओ पी आर आई ई टी ओ आर, सिनोनियम बनेगा ओनर यानी कि मालिक। बातें खत्म हो गई हैं, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।